एडवेंचर ट्रैकिंग को पसंद करने वाले सारे ट्रैकर्स खुश हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुमाऊं हिमालय के सबसे पॉपुलर ट्रैक के बारे में। सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लोग और मेरा नाम है यश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नामी ग्लेशियर के बारे में, जिसे उत्तराखंड पर्यटन ने साल 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया था। कुमाऊं हिमालय पर स्थित इस ग्लेशियर की ऊंचाई 3600 मीटर है। शांत रामगंगा नदी के स्रोत के रूप में काम करते हुए ये ग्लेशियर नंदा देवी, नंदा कोट और त्रिशूल जैसी चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले काठगोदाम हल्द्वानी आना पड़ेगा। वहाँ से बागेश्वर तक जाना पड़ेगा, जो सफ़र 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। फिर आपका असल ट्रैक शुरू होगा मुनस्यारी विलेज से, जो लास्ट में अद्भुत हिमालय के दर्शन कराता है। यह मुनस्यारी से 40 किलोमीटर दूर है और गोगिना और नामी गाँवों में स्थित है। आपको ट्रैकिंग करने के लिए लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा का समय लगेगा। नामिक ग्लेशियर का नाम नामिक गांव से मिलता है। नामिक ग्लेशियर वह स्रोत है जहाँ से कई झरने और सल्फर स्प्रिंग्स की उत्पत्ति होती है। आप भारत तिब्बत संस्कृति को भी यहाँ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार मार्ग था। इस ग्लेशियर के चारों ओर झरने और सल्फर स्प्रिंग्स की संख्या की मौजूदगी क्षेत्र का सबसे सुंदर आकर्षण है। नामिक ग्लेशियर के चारों ओर ट्रैकिंग करते समय ट्रैकर्स वास्तव में सबसे बड़ी चोटियों से घिरे हिमालय के जंगल के बीच में होते हैं। ये रास्ता प्रभावशाली स्थानीय संस्कृति और प्राचीन मंदिरों के साथ प्राचीन गांवों से होकर गुजरता है। यह भारत तिब्बत व्यापार मार्ग और विशेष रूप से गोगिना और नामिक नाम के दो गांवों की विरासत के रूप में समृद्ध है। यह मार्ग आमतौर पर गहरे जंगलों और हिमालय के साथ घाटियों के माध्यम से निरंतर बहती रामगंगा नदी का अनुसरण करता है। आपका ट्रैक मुनस्यारी गांव से शुरू होता है, जो गोगिना और कपकोट जैसे खूबसूरत गांवों से होते हुए गुजरता है, जहां आप नंदा कोट की अद्भुत पहाड़ियां देखेंगे। फिर थल टॉप होते हुए आपको पंचाचूली पर्वतमाला के अद्भुत दृश्य का आनंद मिलेगा। ट्रैक मार्ग पर कोई निवास स्थान या मानव आबादी नहीं है। रास्ते में आपको कैंप भी लगाना पड़ेगा। अच्छा ये रहेगा कि आप अपने साथ एक्सपर्ट की टीम लेके जाएं, जो आपको सारी चीज़ें मुहैया करा देंगे। उसके बाद मार्ग रामगंगा नदी घाटी से होते हुए नंदा कुंड तक पहुंचता है। दिन का पूरा ट्रैक नंदा कुंड से नंदा देवी और नंदा कोट की बर्फीली चोटियों और बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करेगा। इस तरह के खूबसूरत दृश्य दिन भर की थकान को एक पल में दूर कर देंगे। ये अनोखी चीजें हैं जिनके लिए ट्रैकर्स तरसते हैं। नंदा कुंड से नामी ग्लेशियर तक के 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद सामने आता है नामी ग्लेशियर। नामी ग्लेशियर लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है मानो नंदा कोट की चोटी बस 1 या 2 कदम की दूरी पर है। यह नज़ारा जन्नत का नज़ारा होता है। नामी ग्लेशियर से वापस लौटते समय ट्रैकर्स
हिमालय की अद्भुत सुंदरता का आनंद मन में लिए हुए और वहाँ की मीठी यादों को फोटोग्राफ्स के रूप में सजोए हुए वापस लौटते हैं। ट्रैक पर जाने वालों को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाने पर प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा न फैलाएं, पर्यावरण को साफ रखें, सिर्फ अद्भुत हिमालय की स्वर्ग जैसी सुंदरता का आनंद लें। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।